इंडिया में टोटल 3 जनरेशन वर्जन लॉन्च हुए थे मारुति वैगनार के। उन्हीं 3 वर्जन के बारे में आज हम बात करेंगे, कौन से सन में आए थे और वो कौन से थे। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। वैगनार फर्स्ट जनरेशन। वैगनार का फर्स्ट जनरेशन इंडिया में लॉन्च कराया गया था 18 दिसंबर 1999 में। ये कार जब इंडिया में लॉन्च हुई थी तब से ही ये सेंट्रो की राइवल थी। ये कार इंडिया में काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो गई थी क्योंकि इसमें आपको स्पेस और सीट काफ़ी ऊंची मिलती थी। उस टाइम पर इस गाड़ी में पावर विंडो और पावर स्टेयरिंग, ये फीचर्स 1999 में काफ़ी लग्जरी माने जाते थे। और गाड़ी के इंजन की बात करें, 1.1 लीटर F10D पेट्रोल इंजन मिलता था जो कि 64 PS की पावर, 84 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। इस गाड़ी का 2003 में माइनर फेसलिफ्ट वर्जन आया था इस मॉडल का ही। उसमें थोड़े चेंजेस किए गए थे, जैसा कि क्रोम लाइन इन द ग्रिल, बॉडी कलर, बम्पर एंड क्लीन लैंड टेल लैम्प। इंटीरियर में इसका कलर चेंज कर दिया गया था, बेज डैशबोर्ड। 2006 में ये वैगनार LPG में लॉन्च की गई थी। इस गाड़ी का फर्स्ट जनरेशन वर्जन की 8,80,000 यूनिट बिकी थी। 2009 में इस गाड़ी का फर्स्ट जनरेशन वर्जन को बंद कर दिया गया था और कीमत 3,81,000 रुपये की थी गाड़ी की। फिर वैगनार सेकंड जनरेशन। इंडिया में सेकंड जनरेशन वर्जन को लॉन्च करा गया था 23 अप्रैल 2010 में। इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी गई थी। सेफ्टी फीचर्स की बात करें, ABS, एयरबैग और फॉग लैम्प आ गए थे। इंजन 1 लीटर वाला मिलता था, 3 सिलेंडर 998 cc का K10B इंजन जो कि 68 PS की पावर, 90 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। और इसके साथ इसमें 5 स्पीड का ट्रांसमिशन। 2013 में इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ था इसी मॉडल का। इस गाड़ी में कुछ कॉस्मेटिक चेंज किए गए थे, इंक्लूडिंग ए नैरो पावर ग्रिल, रिटायर्ड बम्पर विद लार्ज वेंट्स एंड न्यू फॉग लैम्प हाउसिंग। इंटीरियर की बात करें, वो ड्यूल ग्लोव बॉक्स, इंटीग्रेटेड ईगल विंग्स, म्यूजिक सिस्टम विद इंटीग्रेटेड USB और ऑक्सपोर्ट। 2014 में मारुति ने मारुति सुजुकी स्टिंगरे को लॉन्च करा गया था जो कि फुल्ली रीडिजाइन वर्जन था मारुति वैगनार सेकेंड जनरेशन का। बस थोड़े से लाइट का फर्क था और गाड़ी में CNG और पेट्रोल दोनों इंजनों का ऑप्शन मिलता था। 4,14,000 से गाड़ी की कीमत शुरू होती थी। फिर अब मारुति वैगनार थर्ड जनरेशन। इसे इंडिया में लॉन्च करा गया था 23 जनवरी 2019 में। ये वाला वर्जन जो है वो लाइटर है पहली वैगनार से। गाड़ी के व्हील बेस इंक्रीज कर दिए गए थे। पहली बार वैगनार गाड़ी का व्हील बेस इंक्रीज कर दिया गया था पहली बार। ये गाड़ी 2 इंजनों के ऑप्शन में मिली थी। एक मिलता था 1 लीटर जो कि 67 PS की पावर, 89 Nm का टॉर्क। दूसरे वाला 1.2 लीटर ड्यूल जेट पेट्रोल जो कि 90 PS की पावर, 139 Nm का टॉर्क। इस गाड़ी का अभी इसी साल 25 फरवरी 2022 में लॉन्च हुआ है फेसलिफ्ट वर्जन जो कि थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। K10C 1 लीटर और K12N 1.2 लीटर ड्यूल जेट इंजन मिलता है। इसके साथ इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, बेज एंड डार्क ग्रे ड्यूल टोन इंटीरियर कलर, ड्यूल टोन एक्सटीरियर कलर विद ब्लैक रूफ, ब्लैक कलर्ड 14-inch अलॉय व्हील और हिल होल्ड असिस्ट। कीमत 5,47,000 से 7,20,000 तक। तो मैंने आपको ये वैगनार बताई है जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। इसके 3 जनरेशन आए हैं, फेसलिफ्ट तो काफ़ी आए हैं लेकिन वर्जन 3 ही आए हैं। आपको इनमें से सबसे बेहतरीन वर्जन कौन सा लगता है या लगता था, हमें कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए।